हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ गेहूं के आटे का बहुत ही कुरकुरा खस्ता नमक पारा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए कितना ज़्यादा कुरकुरा बना है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा कुरकुरा बना है। और आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगता है इसको बनाने में, झटपट से बन जाता है। जब भी आपका मन करे बनाने का आप तुरंत बना सकते हैं। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमको चाहिए आटा, ये 200 ग्राम आटा है, गेहूं का आटा है। और इसके साथ ही मैंने लिया है ऑयल 3 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, पानी आटा गूंथने के लिए, और अजवाइन है 1 चम्मच। इसमें अजवाइन थोड़ी सी ज़्यादा डालो तो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो हम आटे में सारी चीज़ें मिला देते हैं। ये अजवाइन, नमक आप स्वाद के अनुसार डाल दीजिए, और ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे तो जितना ज़्यादा ऑयल रहेगा उतना ज़्यादा खस्ता हमारा नमक पारा बनेगा। आप इसे अच्छे से मिला लीजिए, बहुत ही अच्छे से इसे मिलाना है। सारे आटे में ऑयल को अच्छे से मिल जाना चाहिए, और जब इसका ऐसे बाइंडिंग होने लगे तब समझिए बस अब ये हो चुका है। आप इसको लगभग 5 मिनट तक अच्छे से मिलाते रहिए, और जब ये अच्छे से बाइंड होने लगे एकदम इस तरह से, बस हम इसी जगह पर अब हम पानी डाल के अच्छे से आटा गूँथ लेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि हमको सख्त डो लगा के तैयार करना है। जितना ज़्यादा आप टाइट आटा गूँथेंगे उतना ही ज़्यादा कुरकुरा हमारा नमक पारा बनेगा, तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए ताकि अच्छे से टाइट आटा लग के तैयार हो जाए। ये देखिए इतना टाइट आटा लगा के मैंने तैयार कर लिया है, और इसे ढक करके हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। दस मिनट हो चुके हैं, हम इसका ढक्कन हटा देंगे और इसे एक बार फिर से लगभग 1 मिनट तक अच्छे से मसल लेंगे। ये देखिए ढकने की वजह से, 10 मिनट रख देने की वजह से ये थोड़ा सा मुलायम हो गया है। अब हम इसे 1 मिनट के लिए और मसल देंगे ताकि ये ज़्यादा थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से मुलायम हो जाए और बेलने में आसानी हो। तो बस ये अच्छे से हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। लोइयां थोड़ी सी बड़ी या छोटी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। पहले हम लोइयां काट लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 लोई काट ली है। पहले हम 1 लोई को गोल करेंगे, जैसे रोटी के लिए काटते हैं एकदम सेम वैसे ही बनाना है, गोल करके और चिपटा कर देंगे। ये देखिए, और इसमें हमें सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऐसे ही बहुत ही अच्छे से बेल जाएगा। आप सूखा आटा मत लगाइए। और इसे हम जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा रखेंगे, हमें बहुत पतला नहीं बनाना है, थोड़ा मोटा रहेगा तब ये ज़्यादा अच्छा बनता है। तो हम इसे थोड़ा सा मोटा गोल गोल बेल लेंगे, जैसे रोटी बेलते हैं वैसे बेल लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से बेल लिया है, और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो पहले हम लंबाई में काटेंगे और फिर चौड़ाई में काट के और छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे इसके। थोड़े छोटे छोटे पीसेस ही बनाइए। ये देखिए मैंने सारा काट लिया है, बस इसे एक एक करके हम अलग कर देंगे। पहले आप अलग अलग कर दीजिए, फिर आप तेल में डालेंगे। तो मैंने तेल गर्म कर लिया है, यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए तेल हमारा मीडियम गरम है, इतना ही गरम हमको तेल चाहिए। बहुत ज़्यादा गरम तेल अगर रहेगा तो ये जल जाएगा ऊपर से और अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो हमें मीडियम तेल ही चाहिए। और एक एक करके आप इसे डाल दीजिए सभी को। मीडियम गरम तेल रहेगा तो ये पूरा अंदर बाहर अच्छे से हो जाएगा, और इसे चलाते हुए हमें अच्छे से पका लेना है, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाना है। हम इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना,
चलाते हुए हम अच्छे से पका लेंगे। देखिए अपना थोड़ा थोड़ा कलर चेंज कर लिया है, पर हमको और ज़्यादा ब्राउन करना है। ये देखिए अभी अच्छे से हो चुका है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हो चुका है। और बस अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए बस अब निकाल लेते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे कलछी, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और इसी तरीके से हम सभी को निकाल लेंगे, ये देखिए। और बाकी जो हमारा बचा है आटा, उससे भी हम सेम प्रोसेस से बना लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा बनके हमारा नमक पारा तैयार है, एकदम कुरकुरा, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और सभी को मैंने इसी प्रकार से बना लिया है, आप देखिए कितना अच्छा नमक पारा हमारा बनके तैयार है। आप इसे चाय के साथ खाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद।